दोस्तों हिंदी व्याकरण के क्रैश कोर्स में आज हमारा डे नंबर 15 है, या फिर हम कह सकते हैं इस सीरीज का ऑडियो नोट नंबर 15 है। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द, या फिर हम कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक या फिर विलोम से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर कन्फर्म से आता है, लेकिन एक से अधिक पूछे जाने की संभावना बेहद कम होती है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे इसमें याद करने होते हैं। इस टॉपिक को मैं मैक्सिमम दो वीडियो में खत्म करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे आपको यहाँ पर याद करने होंगे, लेकिन सच मानिए अगर आप यहाँ से याद कर लेंगे तो फिर आपको कहीं से भी विलोम शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हमने आपको पर्यायवाची याद करवाए थे, जैसे हमने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करवाए थे, वैसे ही यहाँ पर मैं विलोम शब्द आपको याद करवाने का प्रयास करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला शब्द है यहाँ पर अमृत। अमृत का यहाँ पर विलोम हो जाएगा विष। अथ का हो जाएगा यहाँ पर इति। अंधकार का यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश। अल्पायु का यहाँ पर हो जाएगा दीर्घायु। अनुराग का यहाँ पर हो जाएगा विराग। आदि का हो जाएगा अंत। आगामी का हो जाएगा गत। आगामी का मतलब होता है आने वाला, और गत का मतलब जो बीत चुका है। आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। अधिक का यहाँ पर हो जाएगा अल्प, और आदान का प्रदान हो जाएगा। आलस्य का स्फूर्ति हो जाएगा यहाँ पर। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। वृष्टि हमने आपको बताया था यहाँ पर वाक्यांश वाले चैप्टर में, वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, अतिवृष्टि का मतलब हो जाता है बहुत अधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि का मतलब हो जाएगा वर्षा ना होना। आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर कोई शब्द है उसकी शुरुआत आ से हो रही है, आ उपसर्ग से हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा विलोम बनता है वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अन उपसर्ग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे शब्द में हम लोग आगे भी स्पॉट करेंगे। आदर्श का यथार्थ हो जाएगा यहाँ पर। एक दो यहाँ पर रॉन्ग भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर अपेक्षा का नगद हो गया यहाँ पर, तो एक दो जहाँ पर रॉन्ग है वो मैं आपको बता दूंगा, और पीडीएफ में भी आपको वो रेक्टिफाई होकर मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोलते रहते हैं पीडीएफ पर जो बात पहले तय हुई थी वही आगे भी रहने वाली है। आपको बता दें पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर, मगर उसकी शर्त यही है कि 10,000 व्यूज़ जब तक हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं कर लेगा उस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं की जाएगी। अगर जैसे ही 10,000 हो जाते हैं तो वैसे ही फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर हम पोस्ट कर देते हैं आपको बिना कहे। आविर्भाव का यहाँ पर तिरोभाव हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा यहाँ पर। अभिज्ञ का मतलब हो जाएगा सब कुछ जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब हो जाएगा कुछ नहीं जानने वाला। आज़ादी का गुलामी हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। आमिष का हो जाएगा निरामिष। यहाँ पर आमिष की जगह आप सामिष कर लेना। सामिष का मतलब जो मांस खाता है, और निरामिष का मतलब जो मांस नहीं खाता है। आर्द्र का शुष्क हो जाएगा यहाँ पर। अल्प का अधिक हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे हमने अधिक का अल्प देखा था, तो वैसे अल्प का अधिक हो जाएगा, तो एक दूसरे के होते हैं विलोम शब्द, कोई कोई आपको रिपीट भी देखने को मिलेंगे। अभिमान का नम्रता हो जाएगा। आशा का निराशा। अपमान का सम्मान। अनुज का हो जाएगा अग्रज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, यानी कि जिसका जन्म बाद में हुआ है, और अग्रज का मतलब हो जाएगा बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ है। अग्र और जा दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर अग्र का मतलब होता है पहले, जा से जन्म लेना यानी कि पहले जन्म लेना, और अनु का मतलब होता है बाद में, अनु जा यानी कि बाद में जन्म लेना। अग्रज का मतलब पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई, और अनुज का मतलब बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई। जैसे राम है तो वो अग्रज कहलाएंगे, और लक्ष्मण उनसे छोटे हैं, उनके छोटे भाई हैं, तो वो अनुज कहलाएंगे। अगम का यहाँ पर सुगम हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। आशा का निराशा। वैसे ही आगे अगर आप देखें तो अरुचि का रुचि हो जाएगा। आरंभ का अंत। अर्वाचीन का प्राचीन। अनुपस्थित का उपस्थित। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा का सुंदर। अच्छा का यहाँ पर बुरा होगा, यहाँ पर सुंदर नहीं होगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। अच्छा का हो जाएगा बुरा। अक्सर का हो जाएगा यहाँ पर कभी कभार। अमावस्या का पूर्णिमा। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। अमर का हो जाता है मर्त्य, यानी कि जो मर सकता है, अमर का मतलब जो कभी ना मरे। अग्नि का यहाँ पर जल हो जाएगा। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अस्त का हो जाएगा उदय होना। अनुमति देने का यहाँ पर विलोम हो जाएगा मना करना। ऐसे ही अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक हो जाएगा। आधुनिक का यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा यहाँ पर। बहुसंख्यक दो बार टाइप हो गए यहाँ पर, आधुनिक की जगह आप प्राचीन कर लेना। आचार का हो जाएगा अनाचार यहाँ पर। आत्मा का हो जाएगा परमात्मा।
आदान का प्रदान हो जाएगा, आयात का निर्यात। यहाँ पर आयात का मतलब होता है माल जो है वो दूसरे देश से स्वदेश आता है, और निर्यात का मतलब यहाँ पर होता है अपने देश से माल जो है वो दूसरे स्थान पर भेजना, दूसरे देश में भेजना। आकाश का पाताल, आग्रह का यहाँ पर अनाग्रह। आधार का यहाँ पर हो जाएगा आधेय। अभ्यंतर का हो जाएगा यहाँ पर बाह्य। और आसक्त का हो जाएगा अनासक्त। अतिथि का हो जाएगा यहाँ पर आतिथेय। आदत्त का हो जाएगा प्रदत्त। आहन का हो जाएगा विसर्जन। आहन का मतलब होता है बुलाना किसी को, और विसर्जन का मतलब होता है यहाँ पर भेजना। जैसे आहन करते हैं गणेश जी का और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड है कि आहन करना, बुलाना और फिर विसर्जन करना, यानी कि भेज देना। आना का जाना हो जाएगा, बहुत कॉमन वाले भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लिस्ट में। अदोष का सदोष हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा, और अगला का पिछला, अनाहूत का हो जाएगा आहूत। और यहाँ पर विलोम का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर किसी की शब्द की शुरुआत में यहाँ पर आ या फिर आ लगा हुआ है, तो जब उसका विलोम बनेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अना देखने को मिलेगा, ना यहाँ पर जुड़ जाता है जब विलोम बनाते हैं, तो ये बहुत सारे शब्द में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अर्पित का हो जाएगा यहाँ पर गृहीत। अर्पित यानी कि जो अर्पित किया हुआ है, और गृहीत यानी कि जिसने ग्रहण किया अर्पण को। अंगीकार का हो जाएगा यानी कि स्वीकार करना। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अधम का हो जाएगा उत्तम। अधम का मतलब क्या होता है? अधम का मतलब नीच होता है, और उसका विलोम हो जाएगा उत्तम। अज्ञ का हो जाएगा यहाँ पर विज्ञ। अघ का हो जाएगा अनघ। अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अकाल का हो जाएगा सुकाल। अर्थी का हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यर्थी। अंत का हो जाएगा अनंत। और अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का भी प्राचीन हो जाएगा। आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक। आदि का अनादि। आगत का अनागत। वैसे जैसे हमने आपको बताया कि जब शब्द में आ या फिर आ लगा हो और जब उसका विलोम बनेगा तो अना लग जाता है, तो ये चीज़ काम की इसमें भी और इसमें भी। आश्रित का हो जाएगा निराश्रित। आरोह का हो जाएगा अवरोह। अब जैसे यहाँ पर इस वाले में ये चीज़ नहीं लगी है, तो हमने आपको बताया कि कुछ लोग ट्रिक बताने लगते हैं कि अगर आ है तो फिर उसका अना ही लगेगा, तो ये ट्रिक हो, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में तो ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे आरोह है तो इसका अनवरोह नहीं हो जाएगा, इसका क्या होगा? अवरोह होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, इस वजह से हमेशा एक ही चीज़ को मान करके हमको नहीं चलना चाहिए। अकुंचन का हो जाएगा यहाँ पर प्रसारण। अकाम का हो जाएगा सुकाम। अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। अवनति का हो जाएगा उन्नति होना। अति का हो जाएगा यहाँ पर अल्प। अनेकता का हो जाएगा एकता। अनित्य का हो जाएगा नित्य। अतल का हो जाएगा वितल। अधिकारी का हो जाएगा अनाधिकारी। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अपमान का सम्मान। अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। अनेक का एक हो जाएगा। अथ का अति हो जाएगा। अग्र का पश्च हो जाएगा। जैसे हमने देखा था अग्रसर और पक्षेश्वर यहाँ पर, तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अश्रु का हो जाएगा हास यानी कि आंसू बहाना, हंसी यहाँ पर दिखाना यानी कि रोना और हंसना। और अपना का पराया, अनेक का एक, अवनत का उन्नत, अजेय का जेय। तो ये तो बहुत सिंपल वाले आप खुद से भी बना सकते हैं। आग्रही का दुराग्रही हो जाएगा। आतुर का अनातुर हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण। आधार का निराधार। आभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। आगामी का विगत हो जाएगा। आदिष्ट का निषिद्ध हो जाएगा। आदिष्ट का मतलब जिसको आदेश प्राप्त है, और निषिद्ध का मतलब जिसको आदेश नहीं मिला है, जो कि बैन है। आलोक का अंधकार हो जाएगा। आगामी का विगत। अब ई और ई पर आ जाएंगे। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। ईद का मुहर्रम हो जाएगा यहाँ पर। और ईद का मुहर्रम ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है यहाँ पर प्रीवियस ईयर में। ईद में खुशियाँ मनाई जाती हैं, मुहर्रम में गम मनाया जाता है, तो शायद इसी कारण से इन दोनों को एक दूसरे का विलोम मानते हैं हम लोग। इहलोक का हो जाएगा परलोक। और इसका का हो जाएगा उसका। इकट्ठा का मतलब हो जाता है अलग। इकट्ठा का विलोम हो जाएगा अलग होना। ईश का विलोम हो जाएगा अनीश। अब उ और उ वाले पर आ जाएंगे। उदात्त का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अनुदात्त। उधार का नगद हो जाएगा। उद्घाटन का समापन हो जाएगा। उद्घाटन और समापन ये भी प्रीवियस ईयर का है यहाँ पर। प्रीवियस ईयर के कल हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे विलोम से, तो आपको ये सारे देखने को भी मिलेंगे दोबारा से। उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। उऋण का हो जाएगा ऋणी।
और निम्न का ऊर्ध्व हो जाएगा, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, उन्नति का अवनति देखा जा चुका है, और उन्मुख का हो जाएगा विमुख, उपस्थित का अनुपस्थित हो जाएगा, ऊर्ध्व का अधो हो जाएगा। जैसे ऊर्ध्वगामी हमने देखा था जब हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े थे, यानी कि ऊपर की ओर जाने वाला, और अधो का मतलब हो जाएगा नीचे, और अधोगामी अगर कर दें तो बन जाएगा नीचे की ओर जाने वाला। तो मैं हर शब्द का मीनिंग इसीलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमने जब पर्यायवाची देखे थे प्लस हमने जब वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे थे तो हर शब्द के मैंने आपको मीनिंग बताने का प्रयास किया था, और वही आप यहाँ पर इम्प्लाई कर सकते हैं, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं बनेगा। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, उपाय का निरुपाय हो जाएगा, उपमा का अनुपमा हो जाएगा, उपचार का अपचार हो जाता है, ऊपर का नीचे, उग्र का हो जाएगा सौम्य, उपसर्ग का हो जाता है प्रत्यय, ऊंच का नीच, ऊर्ध्वगामी अधोगामी हमने बताया आपको, उपकार का अपकार हो जाएगा, उदार का अनुदार हो जाएगा, उदय का अस्त, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, और उत्थान का पतन, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा, उर्वर का ऊसर हो जाएगा। उर्वर मतलब क्या होता है? जिस भूमि पर कोई भी चीज़ उग जाती है आसानी से, ऊसर का मतलब जिसमें कुछ भी उगता नहीं है, जो अनुर्वर है। उदार का कृपण हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट भी हो सकता है, उपयोग का दुरुपयोग हो सकता है, और यहाँ पर उपयुक्त का अनुपयुक्त हो सकता है, उच्च का निम्न हो जाएगा, यहाँ पर निम्र लिखा हुआ है, उच्च का यहाँ पर निम्न आप लोग कर लेना। उदयाचल का हो जाएगा उस्ताचल, और उपभुक्त का हो जाएगा अनुपभुक्त, उद्धत का हो जाएगा विनीत, और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब ए और ए वाले पर आ जाएंगे हम लोग, इसमें हमको बताना है एड़ी का हो जाएगा चोटी, विलोम। अब यहाँ पर शब्द और विलोम लिखे हुए हैं, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करूँगा। एकता का अनेकता, एकत्र का विकर्ण, ऐसा का वैसा, एक का अनेक, एकल का बहुल, ऐहिक का पारलौकिक। ऐहिक का मतलब क्या होता है? जो इस लोक से संबंधित है, और पारलौकिक का मतलब जो दूसरे लोक से संबंधित है, जो इस लोक से संबंधित नहीं है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, एकाग्र का चंचल हो जाएगा, ऐक्य का अनैक्य हो जाएगा। ओ और औ पर आ जाएंगे यहाँ पर, ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा यहाँ पर, ओजस्वी जिसमें यहाँ पर ओज हो जिसमें तेज हो, और निस्तेज का मतलब जिसमें तेज ना हो, जो तेजहीन हो। औपचारिक का यहाँ पर अनौपचारिक हो जाएगा, औचित्य का यहाँ पर अनौचित्य हो जाएगा, औपन्यासिक का हो जाएगा अनौपन्यासिक। औपन्यासिक का मतलब क्या है? जो उपन्यास से संबंधित है उसको औपन्यासिक कहते हैं। बहुत सारे आपको रिपीटेटिव देखने को मिलेंगे अगर आपने हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला वीडियो देखा है, प्लस आपने हमारा पर्यायवाची वाले तीन के तीनों वीडियो देखे हैं। तो इसी वजह से हमने पर्यायवाची आपको पूरे पढ़ाए थे, जिससे अगर हम आगे देखें समुच्चारित, भिन्नार्थक और विलोम, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। कल का आज हो जाएगा, क्रम का व्यतिक्रम हो जाएगा, कार्य का अकार्य हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा, कलुष का हो जाएगा निष्कलुष, कुख्यात का विख्यात हो जाएगा, कुकृति का सुकृत्य हो जाएगा, कठिन का सरल, कनीय का वरीय। कनीय और वरीय इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। आगे अगर हम देखें तो कपूत का सपूत हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, कुसुम का हो जाएगा वज्र, कलंक का हो जाएगा निष्कलंक, कदाचार का हो जाएगा सदाचार, कर्कश का हो जाएगा यहाँ पर सुशील, कटु का मधुर, कसूरवार का बेकसूर, क्रिया का प्रतिक्रिया यानी कि इसका मतलब एक्शन, उसका मतलब रिएक्शन, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न, कृतज्ञ का मतलब होगा जो एहसान मानता है, और कृतघ्न का मतलब जो एहसान को भुला देता है, नहीं मानता है। कड़वा का मीठा हो जाएगा, क्रुद्ध का शांत हो जाएगा, क्रय का हो जाएगा विक्रय, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, और कर्म का हो जाएगा निष्कर्म, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, कुरूप का सुरूप हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा, कायर का निडर, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा, कृत्रिम का हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक या फिर प्रकृत आप कह सकते हैं, कोप का हो जाएगा कृपा, और कर्मण्य का हो जाएगा अकर्मण्य, कठोर का कोमल हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा यहाँ पर, कनिष्ठ का मतलब हो जाता है जूनियर, और ज्येष्ठ का मतलब हो जाता है सीनियर। कनिष्ठ का यहाँ पर ज्येष्ठ तो होता ही है, साथ ही साथ काफ़ी हद तक आपको और बुक्स में भी देखने को मिलेगा कनिष्ठ का यहाँ पर वरिष्ठ भी दिया रहता है, कनिष्ठ का वरिष्ठ। कर्मठ का अकर्मण्य हो जाएगा, क्रोध का हो जाएगा क्षमा, कृतघ्न
कृपण का हो जाएगा दाता। कृपण का मतलब बहुत कंजूस, और दाता का मतलब जो दे देता है, जो दान कर देता है। खिलना का हो जाएगा मुरझाना, खुशी का दुख हो जाएगा, खेद से प्रसन्नता बन जाएगा, ख्यात से कुख्यात हो जाएगा, खगोल का भूगोल हो जाएगा, और खुला का बंद हो जाएगा, खंडन का हो जाएगा मंडन, और खल का हो जाएगा सज्जन। खाद्य का अखाद्य बनेगा, खीजना से रीझना बनेगा, और खरा से खोटा बनेगा। अब गा पर आ जाएंगे हम लोग, गोचर का अगोचर बन जाएगा। यहाँ पर गोचर और अगोचर है क्या, जल्दी से कमेंट्स में लिख करके बताइए। गोचर का मीनिंग बहुत बार हम देख चुके हैं, विलोम अब यहाँ पर चल रहा है। जब हमने पर्यायवाची की 3 क्लास की थी, प्लस हमने वाक्यांश किया था, तब हमने आपको गोचर और अगोचर का डिफरेंस बताया था। जल्दी से कमेंट्स में लिख करके बताइए दोनों का डिफरेंस क्या है। गमन का आगमन हो जाएगा यहाँ पर, गमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब हो जाएगा आना। ग्राम्य का हो जाएगा शिष्ट यहाँ पर, और ग्रहित का हो जाएगा त्यक्त। ग्रहित का मतलब जिसको ग्रहण किया गया है, और त्यक्त का मतलब जिसको त्याग दिया गया है। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, ग्रही का हो जाएगा त्यागी, गर्मी का हो जाएगा सर्दी, गे का हो जाएगा अगेय। गीला का सूखा हो जाएगा यहाँ पर, गहरा का छिछला हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गहरा का यहाँ पर विलोम क्या होगा। गहरा का विलोम हो जाएगा यहाँ पर छिछला। पानी के संबंध में ये वर्ड यूज़ किया जाता है छिछला यहाँ पर। जैसे पानी बताते हैं कि गहरा है, अगर कहें कि पानी नहीं गहरा है तो क्या है, पानी छिछला है। शैलो जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। गरीब का अमीर हो जाएगा, गुरु का शिष्य हो जाएगा, और ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा। ग्राह्य यानी कि जो ग्रहण करने योग्य हो, और त्याज्य मतलब जिसको त्यागने योग्य हो, जिसको त्यागा जाए तो ही अच्छा है। गरल का हो जाएगा सुधा, और पृथ्वी का हो जाएगा गगन, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त, और गुप्त का हो जाएगा प्रकट, गुण का दोष, ये सब आपको याद करने होंगे। अब घा पर आ जाएंगे हम लोग। घा में सबसे पहले तो घर, और उसका विलोम बाहर, घृणा का प्रेम, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी, घटना का हो जाएगा बढ़ना, घन का हो जाएगा तरल। चा और छा पर आ जाएंगे हम लोग। चर का अचर हो जाएगा, चाह का अनचाह हो जाएगा, चोर का साधु हो जाएगा, और चिन्मय का जड़ हो जाएगा। चिन्मय आप ले लें चाहे चेतन ले लें, उसका जो विलोम बनाएंगे तो उसका विलोम बनाएंगे जड़। चीर का हो जाएगा साधु, और चेतन का हो जाएगा अचेतन, या फिर आप जड़ भी कह सकते हैं। चंचल का स्थिर हो जाएगा, चढ़ाव का उतार हो जाएगा, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। चिरंतन का मतलब होगा जिसका चिरकाल तक अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, आप लिटरली ऐसा बोल सकते हैं। नश्वर का मतलब जो क्षण में भंग हो जाए, जो क्षण भंगुर हो, और जो कभी भी नष्ट हो सकता है, वो हो जाएगा नश्वर, नाश होने वाला, जिसका नाश हो सके। चतुर का यहाँ पर मूढ़ हो जाएगा, चिर का अचिर हो जाएगा, छली का निश्चल हो जाएगा, और छूत का अछूत हो जाएगा। एक छूत होता है और एक होता है अछूता। छूत का मतलब जिसको छुआ ना जाए, जो छूने योग्य ना हो, और अछूता का मतलब जिसको छुआ ना गया हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस है, ध्यान रखना। अछूत का मतलब क्या होता है, अछूत का मतलब जिसको लोग छूते नहीं, जिसको अछूत मानते हैं, अनटचेबल, अनटचबिलिटी जैसे पुराने, बहुत पुराने जमाने में चलती थी वो। और अछूता का मतलब हो जाएगा जिसको छुआ ना गया हो। ठीक है, जा और झा पर आ जाएंगे। यहाँ पर जीवन का मरण हो जाएगा, जड़ का चेतन, जटिल का हो जाएगा सरस, जिसको सरलता से समझा जा सके। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा यहाँ पर, और जागरण का निद्रा हो जाएगा, ज्योति का तम हो जाएगा, तम का मतलब अंधेरा भी होता है। जल का स्थल हो जाएगा, जाति का विजातीय हो जाएगा, और जागृति का सुषुप्ति हो जाएगा, ज्वार का भाटा हो जाएगा, ज्योतिर्मय का हो जाएगा तमोमय। कहते हैं ना तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो ज्योतिर्गमय का हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश की ओर ले जाना, और इसका मतलब हो जाएगा अंधकार की ओर ले जाना, तमोमय। जोड़ का घटाव हो जाएगा, जय का हो जाएगा अजेय, जवानी का बुढ़ापा, जीत का हार, जागृत का सुषुप्त, बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं यहाँ पर। जंगम का हो जाएगा स्थावर। जंगम एक आरओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में पूछा गया था, कि जो जाने योग्य हो, जो यहाँ पर एक स्थान से चलकर उठकर किसी भी प्रकार से दूसरे स्थान तक जा सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जंगम कहते हैं। और स्थावर जो स्थिर रहता है, जो किसी भी प्रकार से एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, उसको हम लोग स्थावर कहते हैं, और जो जा सकता है वो होता है जंगम।
ता और था पर आ जाएंगे यहाँ पर, तुच्छ का महान हो जाएगा, ताप का शीत हो जाएगा, तम का आलोक, तीव्र का मंद, तुच्छ का महान, तिमिर का प्रकाश, तामसिक का हो जाएगा सात्विक। तामसिक का मतलब जिसमें तमो गुण पाया जाए वो होगा तामसिक, और उसको यहाँ पर अज्ञानी भी कहते हैं, और सात्विक यहाँ पर जिसमें सतो गुण पाया जाए। तुकांत का हो जाएगा अतुकांत, ताना का हो जाएगा भरनी, तारीफ का हो जाएगा शिकायत, तरुण का हो जाएगा वृद्ध, तृषा का हो जाएगा तृप्ति, तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। तो इम्पॉर्टेंट है आपको कि तृषा का तृप्ति ही होता है और तृष्णा का यहाँ पर वितृष्णा होता है। यहाँ पर ऑप्शन से कन्फ्यूज ना हो इस वजह से आप इसको स्पेशली देख लेना। तिक्त का मधुर हो जाएगा, तीक्ष्ण का यहाँ पर हो जाएगा कुंठित, यहाँ पर कुंठित नहीं होगा, कुंठित यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, कुंठित यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं आएगा। तीक्ष्ण का यहाँ पर मंद हो सकता है मगर कुंठित नहीं होगा। तुल का अतुल हो जाएगा, थलचर का जलचर हो जाएगा, थोक का फुटकर हो जाएगा, और दिवा का रात्रि हो जाएगा, दे का आदे हो जाएगा, दीर्घ काय का हो जाएगा कृश काय। दीर्घ काय का मतलब जिसकी काया बड़ी हो, जिसका शरीर बड़ा हो, वो हो जाएगा दीर्घ काय। और कृश काय का मतलब जो बहुत दुबला पतला हो, बहुत ही ज्यादा सूखा हुआ हो, आप कह सकते हैं लिटरली, वो हो जाएगा कृश काय। कृश काय का मतलब जीर्ण शीर्ण, बहुत कमजोर। और दूषित का स्वच्छ हो जाएगा, दुर्बल का सबल हो जाएगा, और दक्षिण का वाम हो जाएगा, दाता का याचक हो जाएगा, देव का दानव, दुराचारी का सदाचारी। अब मैं बिल्कुल रीड कर रहा हूँ इसको, तो आप देखते रहिए इसको। दुर्गंध का सुगंध हो जाएगा, दाता का सूम हो जाएगा। अब धा पर आ जाएंगे हम लोग, धनी से निर्धन बनेगा, ध्वन से निर्माण होगा, अधर्म से धर्म बनेगा, यहाँ पर विलोम इसका, धीर से अधीर बनेगा, और दृष्ट से बनेगा विनीत, धरा से गगन बनेगा, धूप से छांव, नूतन से बनेगा पुरातन विलोम, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब प्राचीन पुराना, नकली से बनेगा असली, निर्माण से बनेगा विनाश, निकट से बनेगा दूर, निरक्षर से बनेगा साक्षर। और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, यहाँ पर निरक्षर आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि निरक्षर का आप बताइए विलोम क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ था शिक्षित एक दिया हुआ था, यानी कि पढ़ा लिखा एक दिया था गया था, अशिक्षित, तो इस तरह से दिए रहते हैं। तो आपको निरक्षर का साक्षर ही चूज करना होगा, अगर आपने शिक्षित लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, भले ही साक्षर और शिक्षित लगभग एक ही जैसे होते हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, तब भी आपको निरक्षर का साक्षर ही ध्यान में रखना होगा। और नागरिक का ग्रामीण हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, निरामिष का सामिष हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा, निंद का वंद हो जाएगा, निराकार का साकार हो जाएगा, हमने बताया था आपको, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, और जिसका कोई आकार हो साकार। निश्चल का हो जाएगा छली, और ये तो आपसे पूछेगा नहीं, ये तो बहुत कॉमन है, नमक हलाल नमक हराम। नख का हो जाएगा शिख, यहाँ पर यानी कि आपके नाखूनों से लेकर शिखा तक, चोटी तक, आपके पैर के नाखूनों से लेकर शिखा तक। और नर का हो जाएगा नारी, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम, नीरस का हो जाएगा सरस, निर्गुण का सगुण हो जाएगा, निर्जीव का सजीव हो जाएगा, सार्थक निरर्थक एक दूसरे के विलोम होंगे, निराशा का आशा, नित्य का अनित्य, नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, नश्वर का मतलब जिसका नाश हो जाए, और शाश्वत का मतलब जो हमेशा तक रहे, जो चिरंतन हो। निंदा का स्तुति हो जाएगा, निरक्षर का साक्षर, आस्तिक का नास्तिक बनेगा, नेकी का बनेगा बदी। पतिव्रता का यहाँ पर बन जाएगा ये शब्द, और पाप का पुण्य बनेगा, प्रलय का सृष्टि बनेगा, तो आप ये देख लेना यहाँ पर। और प्रेम का घृणा हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, पंडित का मूर्ख हो जाएगा यहाँ पर, पक्ष का विपक्ष हो जाएगा, और प्रातः का साय हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। अगर आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा देखा हुआ है, उसमें दो वीडियो हमने बनाए थे, अगर आपने वो अच्छे से देखे हुए हैं, तो कोई भी विलोम आपको पूछ ले, आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ की मीनिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई थी। तो अगर आपको मीनिंग पता है, आपको ऑप्शंस दिए हैं, उन सभी की मीनिंग पता है, तो आप विलोम बता सकते हैं, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। पठित का हो जाएगा अपठित, यहाँ पर पाश्चात्य का पौर्वात्य हो जाएगा, पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिम से संबंधित है, और पौर्वात्य का मतलब जो पूर्व संबंधित है। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम, प्रतिश्रम
प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब क्या, नेचुरल, और कृत्रिम मतलब क्या, आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड। प्रवृत्ति का हो जाएगा यहाँ पर व्यवसाय, जो भी काम धंधा हो, और निवृत्ति का मतलब हो जाएगा रिटायरमेंट। पुष्ट का अपुष्ट हो जाएगा यहाँ पर, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा, पात्र का कुपात्र हो जाएगा, ऐसे ही पूर्ववत का नूतनवत हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे अब रिपीट भी हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं बहुत सारे, तो आप ऐसे ही यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे प्रकट का हो जाएगा गुप्त, प्रकट मतलब जो सामने हो, गुप्त मतलब जो छुपा हुआ हो। पालक का हो जाएगा संहारक, प्रलय का हो जाएगा सृष्टि यानी कि सृजन होना। पतोन्मुख का हो जाएगा विकासोन्मुख, पतन उन्मुख। यहाँ पर दो शब्दों की संधि से बना हुआ है, कौन सी संधि लग रही है कमेंट्स में लिख करके बताइए, और जो संधि इसमें लग रही है वही इसमें भी लग रही है। विकास धन उन्मुख, ये दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है। अब विकास की ओर जो मुख किए हुए है वो विकासोन्मुख है, और जो पतन की ओर यहाँ पर अपना मुख किए हुए है वो पतनोन्मुख है। प्रमुख का हो जाएगा गौण, प्रमुख का आप प्रधान भी ले सकते हैं, प्रधान का हो जाता है गौण। फूट का हो जाएगा मेल, फल का हो जाएगा निष्फल, फायदा का हो जाएगा नुकसान, फूलना का हो जाएगा मुरझाना। अब बाढ़ का सूखा हो जाएगा, बुराई का भलाई हो जाएगा, बंधन का मुक्ति हो जाएगा, बर्बर का हो जाएगा सभ्य। बर्बर का कुछ लोग यहाँ पर इसका मीनिंग लेते हैं क्रूर, क्रूर भी होता है, और बर्बर का यहाँ पर होता है यहाँ पर जो गमार कहते हैं हम लोग, तो लिटरली आप कह सकते हैं बर्बर का मतलब गंवार भी होता है, और गंवार का यहाँ पर विलोम बनेगा सभ्य। गंवार इन द सेंस गांव का नहीं, जिसमें सभ्यता ना हो, जिसमें एटिकेट्स ना हो, उसको आप बर्बर कह सकते हैं। और बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा यहाँ पर, बढ़िया का घटिया हो जाएगा, और बद का नेक, ये एक बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर विलोम से रिलेटेड, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से इस लिस्ट से आए हैं, और इस लिस्ट से बाहर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का नहीं देखने को मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर लेना। भोगी का योगी हो जाएगा, भूलोक का द्युलोक हो जाएगा, भेद का अभेद हो जाएगा, और भोग भोग्य का अभोग्य हो जाएगा। अब माँ पर आ जाते हैं हम लोग, माँ में सबसे पहले मानवता, मानवता का दानवता हो जाएगा, मृदुल का कठोर हो जाएगा, और मानव का दानव हो जाएगा, मुख का हो जाएगा पृष्ठ। मुख का मतलब जो सामने का भाग है, पृष्ठ का मतलब जो पीछे का भाग है, जो कि पीठ है। मिलन का हो जाएगा विग्रह, मृत का हो जाएगा जीवित, मुनाफा का नुकसान, महात्मा का दुरात्मा। और इसमें इंपॉर्टेंट वाले आप देख लें तो मितव्ययी का हो जाएगा अपव्ययी, मृषण का हो जाएगा अमानवीय, मृदुल का रूक्ष हो जाएगा, मलिन का निर्मल हो जाएगा, मनुज का दनुज हो जाएगा, मीठा का कड़वा हो जाएगा, और मूक का हो जाएगा वाचाल। मूक का मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल ना बोलता हो, और वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत अधिक बोलता हो। या रा ला पर आ जाते हैं हम लोग, यश का अपयश हो जाएगा, योग का हो जाएगा वियोग, योगी का भोगी हो जाएगा, और यथार्थ का हो जाएगा कल्पित। राजतंत्र का जनतंत्र हो जाएगा, रथ का विरत हो जाएगा, रचना का ध्वंस हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा, रक्षक का भक्षक हो जाता है, रूपवान का कुरूप हो जाता है। रूपवान यानी कि ब्यूटीफुल, और कुरूप यानी कि अगली। रुग्ण का हो जाएगा स्वस्थ, रुग्ण का मतलब जिसको कोई रोग लगा हो, और स्वस्थ का मतलब जो हेल्दी है बिल्कुल। और रात्रि का दिवस हो जाएगा, रंगीन का बेरंग हो जाएगा, लघु का गुरु हो जाएगा। यहाँ पर गुरु पढ़ाने वाले टीचर से नहीं मतलब है, गुरु हमने बताया था कि आपका जो है एक है अनेकार्थक शब्द है, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक लिया था उसमें बहुत सारे अनेकार्थक आपको बताए थे, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको सारे चैप्टर पढ़े उड़ने चाहिए, तभी आप अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण होता है उससे जो 6 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 6 के 6 आप तभी सही करेंगे जब आपने 6 के 6 टॉपिक भी पढ़े होंगे, क्योंकि इंटरलेटेड है काफ़ी चीज़ें, आप माने चाहे नहीं। विधवा का सधवा हो जाएगा, विजय का पराजय हो जाएगा, विशुद्ध का दूषित हो जाएगा, विषम का सम हो जाएगा, विवाद का निर्विवाद, और विशिष्ट का साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त, बहिष्कार का स्वीकार, विशाल काय का हो जाएगा छीण काय, विमुख का हो जाएगा सम्मुख, और ह्रास का हो जाएगा वृद्धि, वैतनिक का हो जाएगा अवैतनिक, वीर का हो जाएगा कायर, वृहत का हो जाएगा लघु, विपत्ति का हो जाएगा यहाँ पर वक्र का हो जाएगा सरल, विशिष्ट का हो जाएगा सामान्य, विशिष्ट यानी कि जो स्पेशल है वीआईपी है, और सामान्य मतलब नॉर्मल, वृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि।
वरदान का अभिशाप हो जाएगा, विपन्न का हो जाएगा संपन्न, और विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, वृद्ध का तरुण, वादी का प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी ये भी प्रीवियस ईयर का है, विकास का ह्रास हो जाएगा, विकीर्ण का संकीर्ण, विष का अमृत, विरत का निरत हो जाएगा, वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा, और व्यस्त का अकर्मण्य हो जाएगा। व्यस्त यानी कि जो अपने काम में व्यस्त है, और अकर्मण्य जिसके पास कोई भी काम ना हो। व्यय का आय हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी सारे रिपीट ही हो रहे हैं तो हमको नहीं देखेंगे। सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, साधु का असाधु हो जाएगा, सृजन सुजन का हो जाएगा दुर्जन, सुमति का हो जाएगा कुमति, और साकार का हो जाएगा निराकार, और सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा यहाँ पर, संतोष का असंतोष हो जाएगा, सबल का निर्बल हो जाएगा, संधि का विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद या विग्रह आप कुछ भी कह सकते हैं। स्थिर का चंचल हो जाएगा, सबाद का निर्बाध हो जाएगा यहाँ पर। सबाद का मतलब जिसमें कोई बाधा लग रही हो, निर्बाध का मतलब बिना बाधा के। सक्षम का अक्षम हो जाएगा, सादर का निरादर हो जाएगा, और सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज, सुकाल का हो जाएगा अकाल, सविकार का हो जाएगा निर्विकार, और आप इसमें देखना सुई स्वकीय का हो जाएगा परकीय, और संग का हो जाएगा निसंग। ष ह क्ष और ज्ञ हमारे बच रहे हैं। शूर का कायर, शयन का जागरण, शयन मतलब हो जाएगा सोना। शकुन का हो जाएगा अपशकुन, श्वेत का हो जाएगा श्याम, श्वेत मतलब क्या सफेद, और श्याम मतलब क्या काला डार्क। श्रव्य का हो जाएगा दृश्य, श्रव्य यानी कि जो सुना जा सके, और दृश्य यानी कि जो देखा जा सके। श्लील का हो जाएगा अश्लील, श्यामा का हो जाएगा गौरी, और श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश का मतलब शुभारंभ करना, और इतिश्री का मतलब समापन करना। स्वीकृत का हो जाएगा अस्वीकृत, और स्तुति का हो जाएगा निंदा करना। शुक्ल का कृष्ण। अब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जितने भी यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पर हमने लिए हैं 8 क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर से हैं। प्रीवियस ईयर में हिंदी व्याकरण के सेक्शन से, विलोम से जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति यहाँ पर, और देखो यहाँ पर उक्ति दिया हुआ है, उक्ति का मतलब बात हो जाएगा। विज्ञप्ति का मतलब यहाँ होगा नोटिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई चीज़ नोटिफाई होती है, जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता है अखबार में, तो उसको हिंदी के अखबार में विज्ञप्ति दिया रहता है। आसक्ति का हो जाएगा यहाँ पर इसी का पर्यायवाची, इसी का समानार्थी। प्रतिवादी का हो जाएगा यहाँ पर वादी, यहाँ पर विपक्षी दिया हुआ है, आरोपी दिया हुआ है, संवादी दिया हुआ है, लेकिन आपको वादी लगाना है। तो आपने देखा यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही प्लेस किए जाते हैं एग्जाम में। सूक्ष्म का क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, असूक्ष्म दिया हुआ है, सूक्ष्महीन दिया हुआ है, अस्थूल दिया हुआ है, और स्थूल दिया हुआ है। तो स्थूल हमको पता है कि हमको लगाना है सूक्ष्म में, ऑप्शन चाहे कुछ भी दिया हो। जैसे यहाँ पर असूक्ष्म दिया हुआ है, और इसका भी मतलब यही निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, स्थूल के बराबर, लेकिन हमको स्थूल ही लगाना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। शोषक जो शोषण करता है, और इसका विपरीतार्थक हमको बताना है यहाँ पर, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा पोषक, यानी कि पोषण करने वाला, तो ये यहाँ पर सही है। तो ये पोषक 2 बार लिख गया है, तो पोषक ही इसका सही आंसर होगा। क्रश हमने देखा यहाँ था, यहाँ पर क्रश का क्या मतलब है, क्रश का मतलब हो जाएगा जीर्ण शीर्ण, बहुत ज़्यादा दुबला पतला, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो, और यहाँ पर उसका विपरीतार्थक हो जाएगा हष्ट पुष्ट यहाँ पर, ठीक है। हष्ट पुष्ट का मतलब जो यहाँ पर हेल्दी है, जिसकी बॉडी अच्छी है, वो हष्ट पुष्ट है, और क्रश का मतलब जीर्ण शीर्ण। साक्षर का हमको बताना है। साक्षर के देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको अशिक्षित दिए रहेंगे, अनपढ़ दिए रहेंगे, और आप कह भी सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि हाँ यही इसके विपरीत अर्थ है, लेकिन नहीं, ग्रामर के लिहाज से हम लगाएंगे निरक्षर लगाएंगे, तो निरक्षर यहाँ पर आना चाहिए, निरक्षर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उद्घाटन का क्या हो जाएगा, उद्घाटन का समापन हो जाएगा, जैसे हमने देखा था श्री गणेश का इति श्री होता है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, उद्घाटन होना, शुभारंभ होना, और उसका विपरीतार्थक बनता है इति श्री। उसी प्रकार से उद्घाटन का यहाँ पर बनेगा समापन, समाप्ति दिया हुआ है लेकिन हम उसको नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे केवल समापन को। यथार्थ का हमको बताना है यहाँ पर, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श, अगर यहाँ पर कल्पित दिया होता तो वो लगा सकते थे, और आदर्श इसका होता है यथार्थ का।
तो दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, और हमने सारे विलोम जो इम्पोर्टेंट थे डिस्कस कर लिए, और वीडियो में यहाँ पर दो पार्ट में रखने वाला था विलोम के, लेकिन हमने एक ही पार्ट में कर लिया है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, और PDF आपको चाहिए तो बिल्कुल फ्री है, और कंडीशन वही है 10,000 व्यूज़, तो जल्दी से आप कर सकते हैं शेयर वगैरह करके इसको। हम लोग दोस्तों कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।